नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं News4Nation। बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज की। दरअसल यास चक्रवात तूफान का असर भले ही कम हो गया हो, लेकिन अभी भी अगर उत्तर यूपी की बात करें तो वहां पर दबाव का क्षेत्र बन रहा है। वहां से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है जिसका सीधा असर बिहार के उत्तर भागों में देखने को मिलेगा। उत्तर बिहार के पूर्वी, पश्चिम और उत्तर भाग के इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ कहना है बिहार के मौसम वैज्ञानिकों का, आज के बिहार के मौसम के मिजाज को लेकर पूरी जानकारी आपको देते हैं। यास तूफान के कारण शनिवार के दिन भरपूर प्रदेश में बादल छाए रहे, कई जिलों में बिजली बाधित रही। चक्रवाती तूफान के कारण बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र अब भी पूर्वी यूपी के आसपास है, जिसका असर अब भी राज्य भर में है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के मुताबिक पूर्वी यूपी के पास बने कम दबाव के क्षेत्र के पास से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके प्रभाव से दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिम उत्तर में हल्की व तेज बारिश होगी। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में हुई लगातार बारिश से राज्य में तापमान 9 से 12 डिग्री तक नीचे आ गया था, लेकिन शनिवार को तापमान बढ़ने के कारण राज्य भर में बारिश व ठनका गिरने की अभी संभावना है। वहीं रविवार को भी राज्य भर में तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी। रविवार को पटना व आसपास के तापमान में गिरावट नहीं होगी, साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिलेगी, लेकिन दिन भर में कभी भी बादल छटेंगे बावजूद इसका प्रभाव तापमान पर नहीं पड़ेगा। 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश की बात करें तो त्रिवेणी में 21 सेंटीमीटर, दरभंगा 18, बगहा व बसुहा 17, बरहामपुर व कदवा 16 सेंटीमीटर, हायाघाट व गौनहा 13 सेंटीमीटर। यानी कि फिलहाल अगर बिहार के मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम यूं ही बना रहेगा, बादल आसमान में छाए रहेंगे, साथ ही साथ उत्तर बिहार में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि इस बदलते मौसम में आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना का कहर और दूसरा मौसम का बदलना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें News4Nation के साथ। नमस्कार।